hello everyone i am your math teacher again i am here to teach you your math subject today i am going to teach you your 13th chapter the longest step uh, in my previous video i have already taught this chapter in my this video i have to teach page number 108 so this is your topic cats food rat or milk बिल्ली का खाना क्या चूहा या फिर दूध यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ फिगर्स दी गई हैं ये क्या है हर्ट ये नेक्स्ट कैट की फिगर है और ये रैट के और ये मिल्क के इन फिगर्स से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन है यूज योर फिंगर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क यहाँ रेड और मिल्क के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है अपने फिंगर का यूज़ करके तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कितने डिस्टेंस पे है मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये टू फिंगर की डिस्टेंस पे होगी तो यहाँ पे हम टू लिख देंगे नेक्स्ट है हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द रेड यहाँ पर आपको बताना है कि कैट जो है वो रेड से कितनी दूर है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तीन से चार फिंगर दूर है तो यहाँ पर आप थ्री या फोर लिख सकते हो नेक्स्ट है हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क यहाँ पे ये यह जो कैट है वो मिल्क से कितनी दूर है तो रेड से मिल्क जो है वो ज़्यादा पास में है तो इसलिए आप जो भी लिखोगे उससे कम यहाँ पर लिख लोगे मीन्स कि अगर यहाँ पे फोर लिखते हो तो थ्री लिखोगे अगर फाइव लिखते हो तो फोर लिखोगे बिकॉज ये ज़्यादा पास में है नेक्स्ट है वॉट विल द कैट रिच फर्स्ट द रेट और द मिल्क कैट जो है वो पहले कहाँ पे पहुँचेगी रैट के पास या मिल्क के पास तो वो अगर इस तरीके से आएगी तो सबसे पहले वो मिल्क के पास पहुँचेगी और फिर रैट के पास पहुँचेगी तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रैट नेक्स्ट है कैन द रैट सेव इट्सल्फ जो रैट है वो क्या खुद से बच सकती है तो नहीं बिल्ली जो होती है वो चूहों को कैसे भी पकड़ ही लेती है यहाँ पे हम लिख देंगे नो no. नेक्स्ट है टेलर स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर इस पिक्चर को देख के आपको खुद से एक स्टोरी बना लेनी है जो भी आपके माइंड में आ रहा हो वो आप यहाँ पे एक स्टोरी लिख सकते हो नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल रैट की जो टेल है वो कितनी लंबी है तो आप ये देख रहे हो कि बहुत लंबी है ये मिनिमम थ्री फिंगर्स तो होंगी ही तो यहाँ पे आप थ्री लिख लोगे नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्गर विस्कर्स द रेड और द कैट यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी लॉन्गर विस्कर है किसकी मूँछे ज़्यादा लंबी है तो आप देख रहे हो कि कैट की मूछ जो है वो ज़्यादा लंबी है बिकॉज जो रैट है वो तो पहले से ही छोटी है तो उसकी मूँछे भी क्या होंगी छोटी ही होंगी और कैट बड़ी है इसलिए उसकी मूँछे भी बड़ी होंगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो कैट हैज़ लॉन्गर विक्सर नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन हंड्रेड ना पेज नंबर वन हंड्रेड नाइन मेज़र एंड ड्रॉ यहाँ पे आपको इन दोनों को मेज़र करना और कुछ ड्रॉ करना है आप देख रहे हो कि उससे रिलेटेड ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ड्रॉ अ लीव टू फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन स्टोन से टू फिंगर दूर आपको यहाँ पर क्या करना है एक लीफ ड्रॉ करना है तो टू फिंगर मेज़र करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे एक लीफ को ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट ड्रॉ बनाना फाइव मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी मंकी से फाइव मैचस्टिक्स काउंट करने हैं मीन्स के एक मैचस्टिक लेना है और उससे फाइव काउंट करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर एक क्या बनाना है बनाना बना लेना है नेक्स्ट ड्रॉ काइट सेवन फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन स्टोन से सेवन फिंगर काउंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक काइट बना लेनी है नेक्स्ट है ड्रॉ क्लाउड थ्री मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट यहाँ पे जो काइट है उससे आपको थ्री मैच स्टिक्स मेजर करने हैं और उसके बाद ही आपको एक क्लाउड बना लेना है नेक्स्ट ड्रॉ बर्ड फोर फिंगर अवे फ्रॉम द बनाना और जो आपने पहले बनाना बनाया हुआ था फाइव मैच स्टिक काउंट करके मंकी से उसके आगे आपको फोर फिंगर क्या करना है मेज़र करना है और वहाँ पर आपको एक बर्ड बना लेना है ड्रॉ योर सेल्फ एनी वेयर ऑन द पेज फाइंड हाउ फॉर यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज और उसके बाद ये सारी फिगर आपको अपनी कॉपी में खुद से ड्रॉ कर लेना है और फिर आपको मेजर करना है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू